बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज हम इस पहले हिस्से में हजरत साहब से पूछेंगे कि कायदे आजम की क़यादत में जो पाकिस्तान हमने हासिल किया इन 75 सालों में, वो मकासद हमें हासिल हुए और इस क़याम पाकिस्तान में उलमा का जो किरदार रहा है, और क्या हम एक इस्लामी और फलाही रियासत बनाने के लिए अब तक नाकाम क्यों रहे, और क्या ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान को ख्वाब हमारा पूरा हो सकेगा। हजरत जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब के लिए मसरत का मकाम है कि आज 14 अगस्त सन 2022 है, और 14 अगस्त ज़ाहिर है कि वो हमारे लिए पुरमसरत और तारीख़ी दिन है कि एक आज़ाद कौम की हैसियत से हम दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हुए हैं, और ज़ाहिर कि आज़ादी कौमों की ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, चुनांचे बसाओकात तो पैगम्बर भी कौमों की और उम्मतों की आज़ादी के लिए भेजे गए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि बनी इसराइल की फ़िरौन से के जो पंजे जुल्म से आज़ादी के लिए उनको मबूस किया गया, चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आज़ादी हासिल की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। पाकिस्तान हमें मिला और इस खित्ते पर ये पाकिस्तान मिला और आज़ादी का हमने सांस लिया, और यकीनन जैसा कि आपने फरमाया कि उलमा का किरदार, तो पाकिस्तान की इस आज़ादी में उलमा ही का किरदार है। बल्कि बड़ी अजीब बात, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम उल उम्मत नामी किताब जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की समानी जमा की उसमें लिखी, उन्होंने फरमाया कि 1940 से बहुत पहले ये तसव्वुर जो है नज़रिया पाकिस्तान का एक ऐसे खित्ते का कि जिस खित्ते में मुसलमान आज़ादी के साथ अपने कल्चर, अपने मज़हब, अपने दीन और अपनी सुन्नत और शरीयत पर अमल कर सकें, एक आज़ाद खित्ता में चाहिए। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने इसका इजहार उस वक्त किया था कि जिस वक्त इस बात का तसव्वुर भी नहीं था, और वो ये फरमाया करते थे कि अंग्रेज़ जब यहाँ से चला जाएगा तो जाने के बाद फिर हमें एक आज़ाद खित्ता चाहिए कि जहाँ पर जो मुसलमान आज़ादी के साथ दीन और शरीयत पर चल सकें। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं कि उसके बहुत बाद जो है ये तसव्वुर फिर सामने आया और उभरा कि जब अल्लामा इकबाल ने जो है खुतबा इलाहाबाद के अंदर इस बात का इजहार किया और दो कौमी नज़रिए की वो खुतबा जो बुनियाद बना, और पता चला कि हाँ मुसलमान जो है कि ऐसे ऐसे एक जो है खिता हमारे पास होना चाहिए, तो गोया कि हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात जो है वो एक ऐसी पेशनगोई साबित हुई कि आगे चल के तसलसल में हमें पाकिस्तान नज़र आता था। और ज़ाहिर है कि फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस हवाले से कोशिशें की, क्योंकि हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त ये बात फरमाई थी कि अंग्रेज़ तो कुफर की वजह से काबिल नफरत है ही है, लेकिन हिंदू जो है वो उससे बड़े कुफर के अंदर मुबतला है और ये उससे ज़्यादा काबिल नफरत है, हम इसके साथ मिलकर रह नहीं सकते, और ये मकारी और गद्दारी के साथ मुसलमान को किसी भी नुकसान पहुंचाने से ये बाज नहीं आएगा। और वही हुआ कि हालांकि मुसलमान कांग्रेस के अंदर पहले से सब थे, और मैं इकराम भी, मैंने कायदे आज़म भी कांग्रेस में था, लेकिन जब जा बजा मुहादात को गद्दारी का जब सबूत मिला हिंदुओं का, जगह जगह गद्दारी वो करते हैं, तो फिर ये कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग का जो है वो क़याम अमल में आया और मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया। और हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबरीन उम्मत ने फिर जो है वो कायदे आज़म को जो है वो जो है सपोर्ट किया, पुष्पनाई की, और करिया करिया गाँव गाँव जाकर जो है इस पैगाम को जो है हर जाहिल और हर आलिम तक पहुंचाया। और आप तो जानते हैं कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ी बोलने वाला इंसान था, वहाँ के माहौल में अंग्रेज़ी से लोग शनासा नहीं थे, और उर्दू के हवाले से भी उनको कितनी मुश्किलात पेश आती थी, एक बड़ा बैरियर था, लेकिन वो बैरियर उलमा ने दूर किया, और उलमा ने जो है वो करिया करिए गाँव गाँव ये जज्बा पैदा किया, और जब आवाम इसके लिए तैयार हो गई कि वाकई हमें एक अलग खित्ता चाहिए और दो कौमी नज़रिया, हालांकि उस वक्त ये नारा भी शुरू कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वो इसी नज़रियों को तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम भाई 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 ये अलग खित्ता क्या होता है, तो मकसद ये था कि अलग खित्ते का मुतालबा ना हो, लेकिन इन उलमा इकराम ने वो जब भी अपने इलम और फहम और दानिश के साथ इस पैगाम को पहुँचाया, नतीजा ये कि फिर वही वक्त आ गया कि 1947 में एक आज़ाद पाकिस्तान हमें मिला।
तो मालूम है कि उलमा इकराम का किरदार अमली तौर पे भी रहा, और फिर मजे की बात इस किरदार को सबसे ज्यादा खराज तहसीन खुद कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो परचम कुशाई का जब वक्त आया तो मगरबी पाकिस्तान में उन्होंने एक आलिम दीन को कहा कि आप परचम कुशाई करें, और वो शेखुल इस्लाम मौलाना जिया शब्बीर अहमद उस्मानी थे। बिल्कुल सही। और मशरकी पाकिस्तान में भी उन्हें एक आलिम दीन को कहा कि परचम कुशाई करें, और वो जुबदत मुहद्दिसीन हजरत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह थे। तो कैद आजम जो बानी पाकिस्तान है उसका उलमा के किरदार को तस्लीम करने के इससे बड़ी और दलील क्या हो सकती है। आज लोग फब्ती उड़ाते हैं कि उलमा मुखालिफ थे, उस खिलाफ का मतलब भी कुछ और था। उसके खिलाफ का मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि जैसे उलमा इकराम ने ये बात कही थी कि देखो हिंदुस्तान पर अंग्रेज ने कब्जा किया है, काबिज हुआ है, काबिज होने के बाद अब आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की 800 साल से हुकूमत थी, और फिर आखिरी फरमा रवा मुगलिया खानदान का उसको जो इन्होंने किडनेप किया गोया कि अंग्रेज ने, और काबिज हुए और 200 साल तक हुकूमत की। अब गासिबाना जब कब्जा कर लिया, अब गासिब जब जगह से हटेगा तो उसी को फरमा रवा होना चाहिए जो था जिससे गसब किया था। तो हक तो टेक्निकली मुसलमानों के बनता था कि अंग्रेज जब छोड़कर जाए अब मुसलमानों को हुकूमत देकर जाए तो हक तो उलमा इकराम ये कहते थे कि सारा हिंदुस्तान हमारा है, 800 साल हम हुकूमत कर रहे हैं, अंग्रेज ने गसब किया, अब गासिब अपनी जगह से हट गया तो मुसलमान को दोबारा उसी जगह पर आना चाहिए। ये वो टेक्निकल बात थी। उलमा ये कहते थे कि सारा हिंदुस्तान हमारा है, लिहाजा हमें हक पहुंचता है कि हम ये जमामे हुकूमत अपने हाथ में ले। लेकिन अंग्रेज ने हिंदुओं के साथ रेशा दवानी करके एक नया नजरिया उस वक्त उठा दिया जमहूरियत का, कहा कि हमने चूंकि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया लिहाजा हम पूरे हिंदुस्तान को हुकूमत देकर जाएंगे, और उस हुकूमत का नाम अवामी हुकूमत होगा, डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी, लिहाजा हिंदुस्तान की आवाम फैसला करेगी कि किसको हुक्मरान बनाना है। और उनके जहन में यह था कि अक्सरियत की बुनियाद पर जमहूरियत फैसला करती है, और अक्सरियत हिंदुओं की है, हिंदुओं की अक्सरियत है, लिहाजा नतीजे है कि हिंदुओं के हाथ में दे देंगे। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अलकुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, अंग्रेज हो या हिंदू हो कुफर एक ही है, ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। नतीजा वही हुआ कि जमहूरियत की शक्ल में उन्होंने हिंदुस्तान जो हिंदू के हवाले कर दिया, और मुसलमान जो है वो तड़पते रह गए। इसलिए जो है ना वो ये जमहूरियत का जो है उन्होंने ये जो है टंटा खड़ा किया अंग्रेज ने, उस वजह से वो मुसलमानों की हुकूमत दोबारा ना आ सकी, और जमहूरियत की फिजा उन्होंने कायम करके उन्होंने वहाँ हिंदुओं के हवाले जमाने में हुकूमत कर दी। और नतीजा ये कि अब ज़ाहिर है कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद जो है वह ज़रूरी और लाबुद्दी हो गई, और लिहाजा कायद आज़म ने जब इस पर काम किया और उन्होंने सपोर्ट किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो है कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर दिया और पाकिस्तान वजूद में आ गया। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने उलमा के किरदार का ये पहलू जो उजागर किया है, सुभान अल्लाह, ये बहुत सारे लोगों की नज़र से उजल है कि क्या वजूहात थी वो कि इस तरह से वो चाह रहे थे कि मुसलमान जो है उनको मिल जाए। और अब जैसा भी हमारी यही दुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सैबा अख्तर की ज़ुबान में वो दुआ कि जलजलों की न दस्त रस पहुँचे, ऐ वतन तेरी इस्तकामत तक, हम पे गुजरें कयामतें लेकिन तू सलामत रहे कयामत तक।